firstly congratulations for the song Aadat and finally जो आपकी फैंस आपको करके देखना चाहते थे आप फाइनली क्या करते देखना चाहते थे मतलब रोमांस रोमांस सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस सॉन्ग आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्यूट एंड मुझे हमेशा से था यार हमने कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं किया। वर्किंग सिंस 7-8 इयर्स हमने पहला शो किया था MTV वेब 2014 में और अब दोबारा उसके बाद बहुत सारे शोज हमने साथ में किए वी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो बट एक कुछ रोमांटिक मिसिंग था हमारा तो हम लोग हमेशा यही बात करते थे कि क्योंकि मैंने भी इतने सारे गाने कर लिए इससे भी इतने सारे गाने कर लिए लेकिन साथ में कुछ किया नहीं था जैसे गाना मिला आदत तो Yeah, I think it was a perfect song and it was a perfect combination of him and me. We had a lot of fun and of course friendship thi to chemistry ka to koi issue tha hi nahi and it was really really nice. Couldn't have been better. Well, kya response ab filhal aap fans se expect kar rahe hain because you know first time. मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग आदत को सुने और अपनी आदत बना ले इस गाने को और first day trend कर दे पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर दे हर जगह ट्रेंड कर दे और हमारा गाना मतलब नंबर वन हो जाए मैं तो ये दुआ करता हूँ और गाना है भी एक्चुअली इतना अच्छा कि मतलब बार बार सुनने का मन करता है जब मैं एक्टिंग भी कर रहा था ना तो मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम लोग एक्ट्रेस ग्लिसरीन यूज़ कर लेते हैं लेकिन ये गाना जब बज रहा था तो मेरे आंखों जब ये शॉर्ट था आंसू देने का मेरा असली में आंसू टपकने लगा तो वो एक फीलिंग है जो मतलब ये टच करेगा सबको गाना ये इतना अच्छा गाना है हमने एक्चुअली बहुत मज़ा किया दुबई में थे हम लोग तो हम तो छुट्टी मना रहे थे सारे हम लोग इवन विद मृदुल हम बहुत मज़ा किया हमने पार्टी करे थे और जब गाना खत्म उसके भी दो तीन दिन तक पार्टी करते लगे रहे तो बहुत मज़ा आया हमें तो दुबई में इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई थिंक वी आर एक्टर्स वी आर वेरी हंग्री हमें हर तरह के यू नो परफॉर्मेंसेस करनी है येस हमारा शो आ रहा है क्लास ऑफ 2020 दैट इज गोना बी इनसेन बिकॉज फॉर रोहन्स कैरेक्टर फॉर माई कैरेक्टर इट्स लाइक अ ड्रीम टीम चेतना है फिर विकास भाई ने वो स्टोरी लिखी है एकता कपूर मैम ने प्रोड्यूस की है मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है इंडिया के अंदर सो दैट इज वन थिंग वी आर रियली रियली आफ्टर आदत लाइक आदत हैज बीन लाइक इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड यू नो इससे स्टार्ट होती है जर्नी बट क्लास में जो धमाका होने वाला है वो एवरीवन इज गोना सी इट वेरी वेरी सून थैंक यू मेरी अच्छी आदत ये है कि बुरी बता देता हूँ कि अगर मुझसे कोई बहुत सारे सवाल पूछता है तो मेरा मन करता है मैं छोड़ के माइक चले जाऊँ ऐसा नहीं चाहिए था ये बुरी आदत है अच्छी आदत ये है कि अगर मुझसे कोई प्यार से बात करते हैं और बार बार सवाल पूछता रहता तो मैं जवाब भी दे देता हूँ सारे जवाब दे देगा अच्छी आदत ये है कि या मैं बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ मेरे को मतलब यू नो एवरीथिंग मुझसे कोई कुछ भी करा ले प्यार से अच्छा मिलने एंड लाना स्नैक्स आई विल गेट इट फॉर यू एंड मेरी बुरी आदत ये है कि आई डोंट हैव बुरी आदत आई ओनली हैव अच्छी आदत इसकी बुरी आदत आपको आदत में देखने को मिलेगी जिसमें ये मुझे छोड़ के जा रही है फर्स्ट शॉट में बट छोड़ के जा रही है बिकॉज यू नो कभी कभी रीजन नहीं बताना चलो थैंक यू अब मेरी बुरी आदत देखने से पहले आप ही ले लो एक्चुअली हम लोग काफी कलर कोऑर्डिनेटेड हैं आप देख सकते हैं हमने डिसाइड नहीं किया था सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम अ डिजाइनर आई फॉरगॉट द डिजाइनर नेम बट यू नो दिस वाज सो नाइस एंड ब्लिंगी सो आई वांटेड टू एक्चुअली वेयर समथिंग लाइक दिस फॉर दिस स्पेशल डे एंड आई डिडन्ट नो रोहन्स गोना ट्वाइन विद मी बिकॉज आई जस्ट लाइक व्हाट ही इज वेयरिंग इट इज सो स्मार्ट एंड हिज गुची शूज यू कांट मिस दैट दे आर सो डेव थैंक यू ये गाना आपको 6th December को देखने को मिलेगा मंडे को एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड वी जस्ट होप कि आप लोग हमें उतना ही प्यार दें जितना हमने जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा प्यार आप हमें मिले थैंक यू सो मच थैंक यू